हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मेरा नाम है सीता और मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ठंडी के मौसम में बारिश के जैसा मौसम कर दिया है। इस वजह से अभी के लगभग 4 बज रहे हैं, जिसमें कि लग रहा कि कितना शाम हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का बैकग्राउंड, 4 बज रहे हैं लेकिन शाम जैसा मौसम कर दिया है। और हम लोगों ने चाय वाय पी ली है और अब मैं जा रही हूँ पास्ता बनाने। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी पास्ता मैं कैसे बनाती हूँ वो देखते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पास्ता बनाने के लिए पहले से पास्ता उबाल के रख लिया, कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च ली है मैंने। और अब मैं इसमें डालूँगी फूल गोभी, जो कि छोटे छोटे कट कर लिए हैं मैंने पहले से। अब मैं इसे 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेस में ही काटा है मैंने ताकि वो जल्दी अच्छे से पक जाए। इसे 2 मिनट तक हम ढक के पकाएंगे। 2 मिनट पक जाने के बाद उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज भी लगभग मैंने 1 लिया था, साइज में थोड़ा बड़ा। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे हल्का ब्राउन होने तक, हल्का, क्योंकि फास्ट फूड में सारी सब्जियाँ थोड़ी कम पकी हुई अच्छी लगती है। और इसमें मैंने डाला है छोटे छोटे पीसेस में काट करके बीन्स, ये भी मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटा है। इसे भी हम 2 मिनट तक पका लेंगे। सारी सब्जियों को 2 मिनट ही पकाना है क्योंकि ज़्यादा पकी सब्जियां भी अच्छी नहीं लगती फास्ट फूड में। अब मैंने इसमें छोटे पीसेस में काट के डाला है शिमला मिर्च, छोटे छोटे पीसेस में। इसे भी 2 मिनट तक पका लूँगी मैं। सारी सब्जियों को इसी तरह से 2-2 मिनट ढक के पका लेना है। और 2 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा मतलब एक बड़ा साइज का मैंने टमाटर यूज किया है इसमें, मैंने इसमें डाल के ढक दिया। उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैंने इसमें एक छोटा चम्मच है तो मैंने एक वन और हाफ चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। इसे थोड़ा सा हम पकने देंगे नमक के साथ सब्जियों को। उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले के रूप में यूज किया है मैगी मसाला। आप चाहे तो पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने मैगी मसाला डाला है। मुझे मैगी मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैं मैगी मसाला ही पास्ता में यूज करती हूँ। आप लोग भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मसालों को भी 2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद फिर इसमें सबसे लास्ट में हम पास्ता डालेंगे, जो कि मैंने बॉईल करके पहले से रख लिया था पानी से अलग करके। इसमें पास्ता डालकर हम 2 मिनट इसे भी सब्जियों के साथ मिलाएंगे। सब्जियां, मसाले, नमक सारे इसमें मिल चुके हैं। और ये देखिए, हमारा पास्ता बस बन के रेडी ही हो गया है। 2 मिनट इसे भी चला कर पका लेंगे। ये तैयार है हमारा पास्ता। इसे मैं प्लेट में अब निकाल करके आप लोगों के सामने सर्व करूंगी। ये देखिए, गर्मा गर्म पास्ता, आप लोग भी खाइए।